पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि कैसे मिस्टर ओ प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त इंसन के कान से उसका ईयरफोन निकालते हैं और पानी के ग्लास में डालते हैं और रिपोर्टर्स को कहते हैं कि चलो अब इससे सवाल पूछो, और एपिसोड 4 की शुरुआत यहीं से होती है। एक रिपोर्टर इंसन को पूछता है कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी सिल्वर लाइनिंग कंपनी हमारे देश में ला रहा है उस वजह से बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं क्योंकि सारा काम टेक्नोलॉजी ही कर लेगी, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। इंसन ऑब्वियसली बहुत घबराया होता है क्योंकि उसे इस मामले के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती और उसे कोई काम करने का एक्सपीरियंस भी नहीं होता। लेकिन कुछ दिनों पहले इंसंग ने ऐसे ही बातों बातों में संजू को पूछा होता है कि तुमने तुम्हारी कंपनी का नाम सिल्वर लाइनिंग क्यों रखा, मैंने बहुत सारे इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़े लेकिन कहीं पे भी तुमने मेंशन नहीं किया कि तुम्हारी कंपनी का नाम सिल्वर लाइनिंग क्यों है। तो संजू ने उसे बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया होता है कि कैसे एक जमाना आ सकता है जब टेक्नोलॉजी इंसानियत को पूरी तरह से खत्म कर दे, लेकिन सिल्वर लाइनिंग का मीनिंग होता है आशा यानी होप, और इसलिए सिल्वर लाइनिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा लोगों को पहले रखेगी, हमेशा इंसानियत को पहले रखेगी। यही पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन इंसंग उस रिपोर्टर को जवाब में दे देता है और सारे लोग बहुत इंप्रेस होते हैं इंसंग के इंटेलिजेंस से और उसकी बात करने के तरीके से, और उसके लिए वो तालियां बजाना शुरू करते हैं। पूरी सिचुएशन के वजह से मिस्टर ओ को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसका जो प्लान था कि सिल्वर लाइनिंग कंपनी और इंसंग की सबके सामने बेइज्जती करवाना, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद इंसंग मिस्टर ओ से बात करने जाता है और वो बहुत मीठे तरीके से कहता है कि आज मुझे लग रहा है कि मैं आपके कंपनी का फैमिली मेंबर बन गया हूं, आपने जो मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई उसके वजह से मैं सिल्वर लाइनिंग कंपनी का बहुत अच्छा इंप्रेशन बना पाया, आपका बर्ताव मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा और आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मिस्टर रो समझ जाता है कि इंसंग उसे ताना मार रहा है, इसलिए वो जोर से चिल्लाता है कि क्या तुम मुझे धमका रहे हो, लेकिन सब लोग मिस्टर ओ को शांत कर लेते हैं और वहां से लेके जाते हैं। बाद में इंसंग और संजू बात करते हैं और संजू इंसंग की बहुत तारीफ करता है कि तुमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छे जवाब दिए और अगर कोई भी वो इंटरव्यू देखेगा तो उन्हें लगेगा कि तुम सच में सिल्वर लाइनिंग कंपनी के प्रेसिडेंट हो। वो दोनों ऐसे ही बातचीत कर रहे होते हैं जब इंसंग का खुद का फोन रिंग होता है और वो उस फोन कॉल को उठा लेता है। ये फोन कॉल होता है मीरान का, जिसने इंसंग का इंटरव्यू टीवी पे देखा और वो उसे मिलने बुलाती है। इंसंग मीरान से मिलने जाता है और मीरान उसे कहती है कि जैसे तुम तुम्हारे कंपनी के लोगों के फोन्स कलेक्ट करते हो मीटिंग शुरू होने से पहले क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा कोई छुपके से रिकॉर्डिंग करे, वैसे ही आज हमारी बातचीत होने से पहले तुम तुम्हारे दोनों फोन्स मेरे असिस्टेंट को दे दो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी बात कोई सुन ले। इंसंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो अपने दोनों फोन्स यानी उसका खुद का पर्सनल फोन और संजू वाला स्मार्टफोन दोनों मीरान के असिस्टेंट को दे देता है। मीरान इंसंग को कहती है कि मैंने तुम्हारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला इंटरव्यू देखा और तुम जिस तरह से बात कर रहे हो, तुमने जिस तरह से बातों को एक्सप्लेन किया वो एग्जैक्टली संजू की तरह है, क्या संजू ने तुम्हें कोई स्क्रिप्ट दी है कि तुम्हें ऐसे ही बात करनी है लोगों के सामने। इंसंग पूछता है कि आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हो, तो मीरान उसे बोलती है कि देखो मुझे ये तो नहीं पता कि संजू ने तुम्हें क्या वादा किया है, उसने तुम्हें कंपनी का प्रेसिडेंट क्यों बनाया है, लेकिन तुम संजू पे ज्यादा विश्वास मत करो, वो आदमी बहुत सेल्फिश है और वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। इंसंग को ये सिचुएशन समझ नहीं आती तो मीरान उसे बोलती है कि देखो मैं तो तुम्हें सिर्फ एडवाइस दे रही हूँ क्योंकि संजू ने जो मुझे वादे दिए वो सारे उसने तोड़ दिए, इसलिए तुम संभाल के रहो। उनकी ये बातचीत यही खत्म हो जाती है और मीरान वहां से चली जाती है। इंसंग को अपने दोनों फोन्स मिल जाते हैं और वो संजू से बात करता है। संजू इंसंग को पूछता है कि मीरान ने तुमसे क्या कहा, तो इंसंग उसे बोलता है कि नहीं उसने सिर्फ मुझे कुछ एडवाइस दी और कुछ नहीं, और इंसंग संजू से ये पूरी ट्रस्ट वाली बात छुपा के रखता है। मीरान की बातों की वजह से इंसंग को खुद पे और संजू पे डाउट आने लगा है लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कहता। बाद में इंसंग सियोन और संजू मिलकर बात करते हैं और सियोन बताती है कि कैसे उसने मिस्टर क्वैक की गाड़ी से उनका ब्लैक बॉक्स फुटेज निकाल के लाया है और ये फुटेज ये तीनों मिलकर देखते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिखाई देता है कि कैसे जिस दिन संजू गायब हुआ उस दिन गायब होने से पहले वो मिस्टर क्वैक से अकेले मिलने गया था, और ये फुटेज देखकर संजू खुद बहुत हैरान होता है क्योंकि उस दिन की उसे कोई भी बातें याद नहीं है। संजू कहता है कि अब इस वीडियो रिकॉर्डिंग से ही मुझे कुछ क्लू मिल सकता है कि मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या, और संजू बार बार ये वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले करता रहता है। अगले दिन जब इंसंग सुबह उठता है तो उसे शॉक लगता है देखकर कि संजू रात भर उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देख रहा था और फोन बहुत गर्म हो चुका है। इंसंग संजू को कहता है कि अगर तुम रात भर ऐसे ही वीडियोस को देखते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा ब्लास्ट हो जाएगा और फिर मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। संजू उसे कहता है कि अगर मेरा ब्लास्ट हो भी गया तो भी चलेगा, लेकिन अब मुझे मेहनत करनी होगी ये ढूंढने के लिए कि मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। उसी वक्त मीना इंसंग के कमरे में आती है और इंसंग जल्दी से फोन को अपने पीछे छुपा लेता है। मीना कहती है कि मैंने मेरे पापा की आवाज़ सुनी, तो इंसंग उसे कहता है कि नहीं मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा था, शायद तुमने उसकी आवाज सुनी और तुम्हें लगा कि तुम्हारे पापा है। मीना ये बात जानकर बहुत दुखी होती है और वो कमरे से बाहर जा ही रही होती है, लेकिन इंसंग को उसके लिए इतना बुरा लगता है कि वो मीना को कहता है कि चलो आज मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, और वो दोनों मिलकर दिन भर खेलते हैं और मस्ती करते हैं। दिन भर खेलने के बाद इंसंग बाथरूम में फ्रेश हो रहा होता है और वो हमेशा संजू को अपने साथ रखता है, इसलिए संजू भी उसके साथ बाथरूम में होता है। संजू हमेशा इंसंग पे चिल्लाता रहता है, उसे हमेशा डांटता रहता है, लेकिन आज वो इंसंग को मीना के साथ खेलने के लिए थैंक्स बोलता है और उससे ओवरऑल बहुत अच्छे से बात करता है। इंसंग उसका
बदला हुआ रूप देखकर कहता है कि वाह आज तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम जल्दी मरने वाले हो कि मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हो। ऐसे ही मजाक करते हुए इनसंग अपने खुद के फोन को उठाने जाता है, लेकिन गलती से सोंजू वाले स्मार्टफोन को धक्का लगता है और सोंजू टॉयलेट के अंदर गिर जाता है। इनसंग सोंजू को टॉयलेट से बाहर निकालता है, उसे हेयर ड्रायर से सुखाता है, उसे हर तरीके से ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन सोंजू वाला स्मार्टफोन शुरू होता ही नहीं और इनसंग बहुत पैनिक होने लगता है। अगले दिन वो बम्यंग इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में जाकर अपना फोन सर्विसिंग के लिए देता है और सर्विस सेंटर वाले उसे बताते हैं कि कुछ दिनों बाद ही तुम्हें तुम्हारा फोन मिलेगा। और ये सारी स्टोरी इनसंग सेओन को भी बता देता है। सेओन गाड़ी चला रही होती है और ये बात सुनकर उसे इतना शॉक लगता है कि इनसंग ने बॉस को टॉयलेट में गिरा दिया कि वो रास्ते पे ध्यान नहीं देती और वो किसी को ठोक देती है। इनसंग गाड़ी के बाहर उतरता है देखने के लिए कि सेओन ने किसे टक्कर मारी, और ये और कोई नहीं वसूली करने वाला आदमी होता है। वसूली करने वाले आदमी का नाम होता है मापी, और मापी को सेओन की मम्मी हॉस्पिटल में मिल नहीं रही होती है, इसलिए वो सेओन का पीछा करते हुए इधर पहुंचा होता है। इनसंग मापी को पूछता है कि तुम हो कौन, तो मापी उसे पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम सेओन के बॉयफ्रेंड हो, मैंने सेओन को 50 मिलियन वॉन का कर्जा दिया है और वो अभी तक उसने चुकाया नहीं। सेओन मापी को कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दे दूंगी, मैं कहीं भाग के नहीं जा रही। तो मापी कहता है कि अगर तुम भाग के नहीं जा रही तो तुमने तुम्हारी मम्मी को कहां शिफ्ट किया। ऐसे ही गुस्से में मापी सेओन को धक्का मारता है और इनसंग उन दोनों के बीच में आ जाता है। इनसंग मापी को कहता है कि मैं सेओन का कर्जा चुकाने के लिए तैयार हूं, और मापी कहता है ठीक है तुम्हें सिर्फ 2 दिनों का टाइम मिलेगा, नहीं तो मैं तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा, और मापी वहां से चला जाता है। सेओन को खराब लगता है क्योंकि इनसंग उसे पैसे के मैटर्स में मदद कर रहा है, इसलिए वो इनसंग पे चिल्लाती है कि तुम्हें क्या जरूरत है मेरे मामलों में दखल अंदाजी करने की। तो इनसंग उसे कहता है क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी इंटरव्यू के पहले अपना शर्ट देकर। यहाँ मिस्टर ओ का असिस्टेंट उसे आके बताता है कि आज इनसंग अपना फोन रिपेयर करने के लिए बम्यंग इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में गया था और ये फोन सोंजू का फोन है। मिस्टर ओ कहता है कि ठीक है हमें सोंजू का फोन तो मिल गया, और अब से इनसंग पे कड़ी नजर रखो। अगले दिन इनसंग बम्यंग इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जाता है क्योंकि सोंजू रिपेयर हो चुका है, और वो जैसे ही सोंजू से बात करने जाता है सोंजू उस पे चिल्लाता है कि अगर तुमने फिर से एक बार ऐसी ही गलती की मुझे टॉयलेट में गिराने की तो मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा। इनसंग इस धमकी से डरता कम है और खुश ज्यादा होता है क्योंकि उसने बहुत दिनों के बाद सोंजू की आवाज सुनी। बाद में इनसंग सेओन और सोंजू ऑफिस में मिलते हैं और सोंजू सेओन और इनसंग को बताता है कि कैसे उसने बार बार उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखा और उसे एक क्लू मिल चुका है। सोंजू बताता है कि कैसे फुटेज में जब वो मिस्टर क्वैक के साथ था तो साइड के लेन से एक गाड़ी आगे चल के जाती है और यही गाड़ी थोड़ी देर बाद यू टर्न मार के वापस आती है। इनसंग कहता है कि शायद उस गाड़ी ने यू टर्न लिया होगा क्योंकि उसे रास्ता पता नहीं होगा, वो कहीं खो गया होगा। और सोंजू कहता है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हमें सच क्या है और झूठ क्या है ये नहीं पता, शायद वो इंसान मेरा पीछा कर रहा होगा इसलिए वो यू टर्न लेके वापस आया, और अब तुम दोनों को ढूंढ के निकालना है कि ये गाड़ी है किसकी। सोंजू इनसंग और सेओन को उस गाड़ी की नंबर प्लेट दिखाता है जिसपे लिखा होता है 4885। इस 4885 गाड़ी का पता लगाने के लिए इनसंग अपने गाँव के पुलिस चौकी में जाता है क्योंकि सोंजू उसी इलाके में गायब हुआ था। इनसंग पुलिस वाले को पहचानता है इसलिए वो इसकी मदद लेने वाला होता है गाड़ी को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन ये पुलिस वाला अपने ही फालतू केसेस में बिजी होता है कि कैसे गांव के एक आदमी की बीवी भाग गई, एक आदमी का कुत्ता भाग गया। बहुत देर तक ऐसा ही टाइम पास पुलिस स्टेशन में चालू रहता है और इनसंग थक कर पुलिस स्टेशन से बाहर आता है। ये पुलिस वाले अंकल भी उसके साथ बाहर आते हैं उसे बाय बाय बोलने के लिए, और उनकी नजर इनसंग के गाड़ी पे जाती है। वो इनसंग को कहते हैं कि अरे तुम्हारी गाड़ी तो मुझे नई ही दिख रही है, फिर भी इसमें इतना बड़ा डेंट कैसे आया। अब ये डेंट तो सेओन की वजह से हुआ था क्योंकि उसने मिस्टर क्वैक को ठोका था, लेकिन इनसंग झूठ बोलता है और कहता है कि इस डेंट के वजह से ही मैं आपसे आज मिलने आया था। पुलिस वाला पूछता है कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ किसने किया, तो इनसंग बोलता है कि उस आदमी का नंबर प्लेट मेरे पास है जिसने मुझे ठोका। और पुलिस वाला और इनसंग फिर से पुलिस स्टेशन में जाते हैं। यहाँ सेओन और सोंजू उस गोल्फ क्लब में जाते हैं जहाँ सोंजू को आखिरी बार देखा गया था, और सेओन रिसेप्शनिस्ट को जाके कहती है कि मेरा बॉस चाहता है कि आप उसका फोन चार्ज करें कंप्यूटर को लगा के, और वो उस रिसेप्शनिस्ट को सोंजू वाला स्मार्टफोन दे देती है। बाद में इनसंग सेओन और सोंजू मिलते हैं और इनसंग उन्हें बताता है कि कैसे उसने पुलिस स्टेशन में जाकर 4885 नंबर प्लेट की पूछताछ की और उसे पता चला कि वो गाड़ी चुराई हुई है और वो नंबर प्लेट फेक नंबर प्लेट है। सोंजू बताता है कि आज मैं जब गोल्फ क्लब के कंप्यूटर से चार्ज हो रहा था तो मैंने उनके सारे सीसीटीवी कैमराज चेक किए और मुझे दिखाई दिया कि जिस दिन मैं गायब हुआ उस दिन 4885 गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी गोल्फ क्लब के अंदर, और जब मैं गोल्फ क्लब से बाहर आया तब भी वो गाड़ी मेरे पीछे ही थी। यानी जिस दिन सोंजू गायब हुआ उस पूरे दिन ये 4885 वाली गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। और सोंजू सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम उस जगह पे जाए जहाँ से मैं गायब हुआ, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। इनसंग और सेओन फिर उस रास्ते पे जाते हैं जहाँ से सोंजू गायब हुआ, और वो डिसाइड करते हैं कि वो उस माउंटेन तक चढ़ के जाएंगे जहाँ से इनसंग ने सोंजू को उठा लिया। वो दोनों बहुत देर तक ट्रैक करके माउंटेन के ऊपर पहुंचते हैं। उस जगह पे वो पहुंचते हैं जहाँ से इनसंग ने सोंजू को उठाया, और वहाँ सामने उन्हें इनसंग के पेरेंट्स दिखते हैं। इनसंग के पेरेंट्स फिर सेओन और इनसंग को अपने घर पे बुलाते हैं डिनर करने के लिए, और खाना खाते वक्त वो राइस के साथ सारे वेजिटेबल्स मिक्स करके खाते हैं, और सेओन
सियोन ये सीन देखकर रोने लगती है। सियोन को याद आता है कि कैसे जब उसकी मम्मी ठीक थी तो वो भी राइस और वेजिटेबल्स को ऐसे ही मिक्स करके उसे खाने देती थी, और जब उसने इनसंग के पेरेंट्स को वही करते देखा तो वो इमोशनल हो गई। डिनर होने के बाद इनसंग और सियोन वहां से निकलते हैं, और गाड़ी में बैठने पर सियोन इनसंग को कहती है कि आज जो तुम्हारी फैमिली ने मुझे डिनर दिया बिबिम्बाप का, उसके लिए सच में बहुत थैंक यू। ये बात सुनकर सोंजू कहता है कि मुझे बिबिम्बाप तो नहीं पसंद, लेकिन मुझे गाम्बास नाम की डिश बहुत पसंद है, और बाद में जब हम तीनों मिलेंगे तो मैं तुम दोनों को इसकी ट्रीट दूंगा, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ मिल पाऊंगा अगर हमें पता चल जाए कि ये 4885 का और मेरा गायब होने का क्या कनेक्शन है। इंसान कहता है कि हम इतनी दूर आए, हमने इतना सब कुछ ढूंढा, लेकिन हमें फिर भी उस 4885 गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता चला। तो सोंजू कहता है कि हमें एक बात तो पता चली कि वो गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी। ये बात सुनकर सियोन के दिमाग में बत्ती जलती है, और वो कहती है कि अगर ये 4885 वाली गाड़ी बॉस का पीछा कर सकती है तो ये गाड़ी हम दोनों का भी पीछा कर सकती है। इंसान आईने से देखता है और सियोन पलट कर देखती है, और सच में 4885 वाली गाड़ी उनका पीछा कर रही होती है। इंसान बोलता है कि चलो हम चेक करते हैं कि क्या ये गाड़ी सच में हमारा पीछा कर रही थी, और वो अपनी गाड़ी को एक सुनसान रास्ते पे रोकता है। जैसे ही उसकी गाड़ी रुकती है वैसे ही 4885 वाली गाड़ी भी उसके साइड में रुक जाती है। सियोन कहती है कि ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, चलो हम यहाँ से निकलते हैं, हम किसी और दिन इसे पकड़ लेंगे। लेकिन इंसंग और संजू कहते हैं कि नहीं, आज ही हमें इसे पकड़ना होगा और पता लगाना होगा कि ये 4885 है कौन। इंसंग और सियोन अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं और इस 4885 वाली गाड़ी के खिड़की को खटखटाते हैं। इस 4885 वाली गाड़ी से जो आदमी बाहर आता है वो एक ऐसा आदमी है जिसे देखना हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ये आदमी का नाम है मिस्टर नैम, और अगर आपने इस शो का सेकंड एपिसोड देखा होगा तो इनसंग इस आदमी से झगड़ा करता है क्योंकि ये आदमी एक साफ सफाई करने वाली आंटी पे चिल्लाया था। तो यही मिस्टर नैम पहले सोंजू और अब इनसंग का हर जगह पीछा कर रहा है। इनसंग नैम को पूछता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तो नैम कहता है कि तुम्हें कुछ ऐसी बातें पता है जो तुम्हें पता नहीं होनी चाहिए इसलिए। और तभी वहाँ 5-6 गुंडे आ जाते हैं और वो इनसंग और सियोन को पकड़ लेते हैं। ये गुंडे इनसंग और सियोन को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाने ही वाले होते हैं जब अचानक सामने से एक कार आती है। इनसंग इन गुंडों की चपेट से कैसे भी बाहर निकलकर उस गाड़ी की तरफ भाग के जाता है और चिल्लाता है कि प्लीज हमारी मदद करो, इस गाड़ी की खिड़की नीचे होती है और इस गाड़ी में बैठा होता है मापी। मापी इनसंग को कहता है कि 2 दिन हो चुके हैं, तुमने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए, और इनसंग उसे कहता है कि तुम मेरी वॉच ले लो, ये बहुत महंगी है, लेकिन प्लीज हमारी मदद करो। उसी वक्त एक गुंडा आता है इनसंग को पकड़ने के लिए और वो अपनी बेसबॉल बैट से मापी की गाड़ी को मारता है और मापी की गाड़ी की खिड़की भी फोड़ता है। मापी इनसंग की मदद तो करने नहीं वाला होता, लेकिन क्योंकि उसकी गाड़ी की कांच फूट गई इसलिए वो गाड़ी से बाहर आता है और गुंडे को पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो अब मेरी फूटी हुई खिड़की के साथ, क्या तुम्हारे पास इंश्योरेंस है, चलो जल्दी से पैसे निकालो। गुंडा कहता है कि अच्छा मैं पैसे निकालूं, और वो मापी पे अटैक करने जाता है, लेकिन मापी उसे एक पंच मारता है और गुंडा नीचे गिर जाता है। नैम ये पूरा सीन देख रहा होता है और वो मापी को पूछता है कि तुम कौन हो, मापी उसे ही पूछता है कि तुम कौन हो। नैम बहुत इरिटेट होकर कहता है कि मैंने तुमसे पहले पूछा तो बताओ अब चुपचाप तुम कौन हो। मापी कहता है कि तुमने जिस औरत को अब पकड़ के रखा है उस औरत ने मुझसे 50 मिलियन वॉन का कर्जा लिया है और इसलिए मैं तुम्हें उसे लेके जाने नहीं दे सकता, अगर तुम्हें उसे लेकर जाना है तो मुझे पहले 50 मिलियन वॉन दो और उसे लेकर जाओ। नैम कहता है कि अच्छा तुम्हें तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, रुको मैं तुम्हें अब सबक सिखाता हूँ, और अपने गुंडों को कहता है कि चलो इस आदमी की धुलाई करो। सब गुंडे मिलकर मापी पे अटैक करते हैं लेकिन मापी उन सबको मारकर नीचे गिरा देता है। उतने वक्त में ही इनसंग और सियोन वहां से भागकर निकलने वाले होते हैं लेकिन नैम और मापी के बीच फाइट शुरू होता है और नैम मापी को चाकू से मारता है। मापी ने आज उन दोनों की मदद की है इसलिए इनसंग एक बेसबॉल बैट उठाकर नैम को बहुत मारता है और नैम नीचे गिर जाता है। नैम जैसे ही नीचे गिर जाता है वैसे पीछे से एक गाड़ी आती है और नैम को ठोक देती है और ये सियोन का काम होता है। यहाँ मिस्टर ओ का असिस्टेंट उसे आके बताता है कि सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और बम्यंग कंपनी के सारे लोग मिलकर कहीं जा रहे होते हैं। यहाँ इनसंग और सियोन ने नैम को पकड़ के रखा है और मापी नैम की बहुत पिटाई कर रहा है। इनसंग संजू को पूछता है कि क्या ये सब कुछ करना ठीक है, तो संजू उसे कहता है कि अगर मुझे पता चल जाए कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ तो मैं इससे भी बुरी चीजें करने के लिए तैयार हूँ। मापी नैम की धुलाई करते हुए उसे पूछता है कि चलो बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा, और नैम फाइनली थककर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें सब सच बताने के लिए तैयार हूँ, मुझे यहाँ जिस आदमी ने भेजा उसका नाम है किम सोंजू और उसी ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए बोला। सोंजू ने ही नैम से ये सारे काम करवाए। ये बात सुनकर इनसंग और सियोन के होश उठ जाते हैं और यह एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।